रूल फाइव, फॉर आयोनिक स्पीसीज, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इस चार्ज। मैं आपको समझाता हूं, जब रूल नंबर वन था उसकी जैसा ही लेकिन थोड़ा अलग है। मैंने रूल नंबर वन में कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड नहीं दिया, ये एक आयन है, ओके, सल्फेट आयन बोलते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा आइटम है इसका, ओके, एक सल्फेट का आइटम है चार ऑक्सीजन के, और टोटल चार्ज कितना है उसका माइनस टू। तो जब आप लिखोगे इसके अंदर ऐसा आएगा, देखो ऑक्सीजन का तो हम माइनस टू ले लेंगे, सल्फर का पता नहीं है लेट से के एक से, और जब इसका टोटल करते एस प्लस फोर ओ इक्वल्स टू जीरो नहीं माइनस टू लिखेंगे। अब तक हम क्या करते आ रहे थे, जीरो, क्योंकि वो सब न्यूट्रल थे, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अगर चार्ज वाला है तो जितना चार्ज उतना लिखना है। तो यहाँ पे एक प्लस फोर इंटू माइनस टू गिव्स यू माइनस टू, एक्स माइनस एट इक्वल्स टू माइनस टू, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस सिक्स, ये एक मिला आपको आंसर। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको NH4 प्लस दिया, क्या दिया आपको, तो H के ऊपर चार्ज है प्लस वन, ओके, नाइट्रोजन का पता नहीं है X, तो नाइट्रोजन प्लस फोर हाइड्रोजन इक्वल टू क्या लोगे प्लस वन, पता चल रहा है आपको। अगर आपके पास कोई ऐसा है जैसे कि सी आर प्लस थ्री, इसके अंदर एक ही एटम है, उसका चार्ज दे दिया, वो आयन है, तो उसका अकेले का प्लस थ्री, दैट्स इट, ये अकेले का कितना प्लस थ्री, अगर अकेला एटम आता है, अकेला आयन आता है, इसलिए सिंपल सा रूल आप लिख सकते,